वेलकम टू सोशल हंगामा। इस हफ्ते हम लाए हैं ऐसी चटपटी मसालेदार न्यूज जो वाकई में हंगामा मचा देंगी। सितारों की नोक झोंक हो या तकरार, या हो कोई प्यार भरी बात, हम दिखाते हैं आपको खुल के सारे राज। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस हफ्ते की हंगामा हेडलाइंस। जिसने भी मेरे साथ गलत किया उन सब के लिए अल्लाह से रहम मांगता हूँ। अदाकारा को अपने वतन की याद बुरी तरह सता रही है। आयशा उमर को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? आजकल के दौर में सब मेहनत के बगैर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। जवेरिया सऊद ने वालिदैन की फिल्मी मोहब्बत और शादी की दिलचस्प दास्तान सुना दी। जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी ने सदाबहार फिटनेस का राज बता दिया। इकरा अजीज एंजाइटी का शिकार क्यों हो जाती हैं? अदाकारा ने बता दिया। अदाकार मोहम्मद अहमद और अदाकारा कुदसिया अली की नई वीडियो पर सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद। कुबरा खान ने अपना असल नाम बताकर सबको हैरान कर दिया। जुनेद नियाजी का नौजवानों को शादी से मुतालिक अहम मशवरा, कैसी लगती हूँ? किंजा हाशमी के सवाल पर मद्दाहों ने क्या कहा? पाकिस्तानी पॉप इंडस्ट्री के मशहूर गुलकार अली जफर, उन्होंने कहा कि जिसने उनके साथ गलत किया और नाजायज किया वो उन सब के लिए अल्लाह से रहम मांगते हैं। मेरे लिए एक बहुत दर्दनाक चीज़ ये थी इस सारी चीज़ में कि यार मेरी वजह से मेरी फैमिली और बच्चों और माँ और बेगम को जिस कठिन वक्त से, और मेरे इवन फादर इन लॉ मदर इन लॉ जितने भी रिलेटेड लोग होते हैं उनको इस कठिन वक्त, उनका क्या कसूर है? उनको इस कठिन वक्त से गुजरना पड़ रहा है तो मैं इनको कैसे प्रोटेक्ट करूँ? When you forgive and when you bless those people who have done you wrong, you attain freedom. And that was something that I think this journey taught me, how to be able to rise up, to be able to forgive and in fact bless someone who's done you wrong. अप्रैल 2018 में मीशा शफी ने अली जफर पर हरासानी के इल्जामात लगाए और एक कानूनी जंग के बाद वो तमाम इल्जामात झूठे साबित हुए। सनम जंग पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का एक मारूफ नाम है जिन्होंने उम्दा सलाहियतों की बिना पर अदाकारी और मेजबानी की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया। अदाकारा को गुज़िश्ता साल अपने शौहर की मुलाजिमत की वजह से ह्यूस्टन मुंतकिल होना पड़ा, जहां वो अब बच्चे के हमरा क्वालिटी टाइम गुजार रही हैं। मगर अपना वतन अपना ही होता है। सात समंदर पार सनम जंग को भी पाकिस्तान की याद बुरी तरह सता रही है। सनम जंग ने सोशल मीडिया पर हाल ही में अपने जज्बात और एहसासात पर मबनी वीडियो शेयर की। दूर चले आए हैं घर से कि यहाँ से अब घर लौटने में वक्त बहुत लगता है, और जहाँ चले आए हैं यहाँ वक्त कहाँ बचता है। सनम जंग को इस वीडियो क्लिप में आप दीदा भी देखा जा सकता है। सनम जंग ने अपने करियर का आगाज प्ले टीवी पर बहसियत मेजबान किया और जल्द ही बतौर अदाकारा मेजबान और मॉडल के अपनी पहचान बनाई। सनम जंग की इस वीडियो पर इंडस्ट्री से उनके साथियों ने गहरी अपनाइयत का इजहार किया। एक प्रोग्राम में आयशा उमर बतौर मेहमान मधु थी। तंजो मिजाह के इस प्रोग्राम में जहां दिलचस्प गुफ्तगू की जाती है वहीं मशहूर शख्सियात अपनी जिंदगी के वो वाकयात भी सुनाते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आयशा उमर से भी अली भट्ट ने कुछ ऐसा ही सवाल किया जिस पर आयशा का कहना था, जब मैं एनसीए में थी तो मैं एक सिटकॉम करती थी डारा रीरा राम, और एक दफा हम शूट कर रहे थे अनारकली के करीब और मैं लड़का बनी हुई थी एंड कोई इंसिडेंट हुआ तो पुलिस आई और वो ढूंढ रही थी किसी लड़के को, और उनके पास एक तस्वीर थी और उस तस्वीर में जो लड़का था उसकी शक्ल एग्जैक्टली मुझसे मिलती थी जो मैं लड़का बनी हुई थी, तो वो समझे कि वो मैं हूँ और वो मुझे उठा कर ले गए क्वेश्चनिंग के लिए। फिर उनको पता चला कि मैं असल में एक लड़की हूँ तो फिर मुझे छोड़ा गया। ये सुनते ही मेजबान समेत दीगर हाजरीन ने महफिल भी हैरान रह गए। साथ ही आयशा का कहना था कि जब बाद अजा उन्हें इंकशाफ हुआ कि मैं एक लड़की हूँ तो उसके बाद मुझे पुलिस ने छोड़ा। आयशा का कहना था कि मैं उस वक्त किरदार में कपड़ों में मलबूस थी, लेकिन साथ ही आयशा ने इस बात का भी एतराफ कर दिया है कि वाकया झूठ है। दरअसल ये अली भट्ट के प्रोग्राम का एक सेगमेंट था जिसमें उन्हें कोई वाकया सुनाना था। आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार आतिफ असलम ने कहा है कि आजकल के दौर में सब मेहनत के बगैर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। हाल ही में अपने दिए गए एक इंटरव्यू में आतिफ असलम ने बगैर मेहनत किए मुख्तसर मुद्दत में शोहरत हासिल करने वाले गुलकारों पर भी बात की और कहा, ऐसा नहीं ऑटो ट्यूनर जो है वो हमारे दौर में नहीं था, हमारे दौर में भी था ऑटो ट्यूनर, अब सहारा है वो। बिल्कुल, ओवरनाइट सक्सेस के लिए सहारा है वो। तो अब लोगों को मशहूर होना, अब लोगों को मेहनत नहीं करनी है, लोगों को ज्यादा देर के लिए उस पेडेस्टल पे रहना नहीं है। उनकी ख्वाहिश है लेकिन उनको
ये नहीं मालूम कि अगर मेहनत नहीं है उस ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर की जो शोहरत है वो ज्यादा देर नहीं चलती। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मूला होता तो आज हर इंसान के पास शोहरत होती। और ये भी कोई इस बात की हकीकत या इस बात में कोई वो नहीं है कि वो ही फेमस हो सकता है, नहीं तो कोई और फेमस नहीं हो सकता। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है। आतिफ असलम ने मजीद कहा कि जिल्लत इज्जत और शोहरत देना खुदा के हाथ में होता है, इंसान को सिर्फ मेहनत करनी होती है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा और टीवी मेजबान जवेरिया सऊद ने अपनी वालिदा की दिलचस्प स्टोरी मद्दाहों के साथ शेयर की है। जवेरिया सऊद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अदाकारा और प्रोड्यूसर जवेरिया ने मारूफ फिल्म आर्टिस्ट प्रोड्यूसर सऊद कासमी से शादी की और ये बासलाहियत जोड़ी दो बच्चों की माँ है। हाल ही में अदाकार साजिद हसन के शो की मेजबानी में जवेरिया ने अपने वालिदैन की फिल्मी अंदाज में परवान चढ़ी मोहब्बत और फिर शादी की दिलचस्प स्टोरी शेयर की। जवेरिया ने बताया, मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह। अब उस जमाने की बात कर रही हूँ, अब माँ तो होती खूबसूरत है और हर माँ को अपनी औलाद भी खूबसूरत ही लगती है चाहे कैसी भी हो। तो अम्मी का ये था कि अम्मी जो है हमारी उनकी मंगनी हुई भी थी। अम्मी अपनी दोस्तों के साथ गई सिनेमा कोई मूवी देखने, तो मेरे अब्बू पार्ट टाइम जॉब करते थे सिनेमा में, ये देखो। सुबह वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और रात को वो करते थे। हाँ हाँ, तो मैनेजर थे वहाँ पे, वो क्या होता है जिनसे अच्छा, तो कोई अम्मी वहाँ गई होंगी, गई होंगी तो टिकट नहीं मिले उनको फिल्म के ना, तो अम्मी लड़ने पहुंच गई। अल्लाह मियां ने कमाल लड़ने पहुंच गई कि भाई हम 6-7 लड़कियां आए, हमें टिकट नहीं दे रही है वो। तो वहाँ पहली मुलाकात अम्मी की पापा, अच्छा खैर पापा को अम्मी बहुत पसंद आ गई, ये वो उन्होंने खैर मालूम किया, पीछे पीछे किया, घर वर का पता कर लिया और मेरी दादी को लेकर रिश्ता लेने पहुँच गई। अदाकारा के मुताबिक मेरी अम्मी की फैमिली बहुत सख्त थी, मगर मेरे वालिदैन की सच्ची मोहब्बत के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और उन्होंने मेरी अम्मी की मंगनी खत्म कर दी। जवेरिया ने इंकशाफ किया कि शादी पर उनकी अम्मी के पुराने मंगेतर ने दुश्मनी में बारातियों पर फायरिंग कर दी थी। उन्होंने ये दिलचस्प इंकशाफ भी किया कि उनके वालिद और हुमायूं सईद के वालिद बेहतरीन दोस्त हैं और हुमायूं सईद के वालिद वालिदा के निकाह पर गवाह भी बने थे। जवेरिया सऊद ने कुछ अरसे टीवी स्क्रीन से दूर रहने के बाद हिट ड्रामा सीरियल्स नान परिस्तान और बेबी बाजी के साथ कामयाब वापसी की है। मकबूल ड्रामा बेबी बाजी में अपनी बेसाख्ता अदाकारी के बायस सराही जाने वाली अदाकारा आजकल मोहब्बत सतरंगी में अपनी अदाकारी से खूब दाद वसूल कर रही हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी का शुमार सदा बहार अदाकारों में होता है, जो लाजवाब अदाकारी के साथ साथ काबिले रश्क सेहत और फिटनेस के हवाले से भी शोहरत रखते हैं। हाल ही में निजी चैनल पर एक टीवी टॉक शो के दौरान दोनों ने अपनी फिटनेस का राज बताते हुए कामयाब करियर से मुतालिक मुफीद मालूमात शेयर की। जावेद शेख का कहना था, ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक इट इज़ कैलकुलेटेड कि भाई मुझे सुबह क्या खाना है, और दोपहर को मैं अमूमन नहीं खाता, सेट पे भी नहीं खाता मैं आजकल जो चेंज किया। पूरा दिन नहीं खाना पसंद करते? नहीं, मैं चाहता हूँ कि जब मैं शाम को खाना खाऊँ तो मुझे वाकई भूख लगे। भूख लगेगी। मेरी डाइट के बारे में ना पूछिएगा। नहीं नहीं, डाइट के बारे में नहीं, मैं हर चीज़ खाता हूँ लेकिन कम खाता हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ रहा है, बल्क हो गया है। आप सब कुछ खाएं, शेख साहब का अपना हिसाब किताब है। बिल्कुल बिल्कुल, बैरोज हाँ, ऐसा नहीं है, मैं मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर में अगर पाए बने हैं तो मैं आके खाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो बात ये है, खाना है। हाँ, ये बनते हैं हमारे भाई। हाँ, दावत, यस, खाते पीते घराने से ताल्लुक। हाँ। दूसरे जाने बहरोज सब्जवारी ने भी हर चीज खाने का मशवरा दिया लेकिन कम मकदार में। जावेद शेख ने ये भी बताया कि वो सब कुछ खाते हैं जिसमें पाए और दूसरे देसी और रवायती खाने भी शामिल हैं। कामयाबी के राज बताते हुए जावेद शेख ने कहा कि नौजवानों को हमेशा झुक कर रहना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं हर एक से एक ही बात कहता हूँ। मेरा कहना है, एक जुमला मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आसमान को छूने के लिए पांव जमीन पर रखने पड़ते हैं। वाह, बस सिंपल सी बात है, अगर इसको आप बांध लेंगे अल्लाह ताला आप पे करम करता जाएगा। और जो नए एक्टर हैं उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 P's, P फॉर पैशन, पेशेंस एंड पंक्चुअलिटी। जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी शोबिज़ के वो जाने पहचाने सितारे हैं जिन्होंने बेपनाह कामयाबी और शोहरत हासिल की है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट में एक साथ काम किया है। जावेद शेख और बहरोज सब्जवारी आपस में गहरे दोस्त भी हैं और ये दोस्ती उस वक्त ज्यादा मजबूत हो गई जब बहरोज सब्जवारी ने जावेद शेख की बहन सफीना से शादी की।
शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा इकरा अजीज ने पहली बार अपनी बीमारी से मुतालिक लापकुशाई कर दी। नए ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो जूलियट में मरकजी किरदार निभाने वाली अदाकारा इकरा अजीज ने हाल ही में एक शो में अपनी बीमारी से मुतालिक इजहार ख्याल किया। इकरा अजीज ने बताया, बिकॉज आई डोंट रियली हैंग आउट विद अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने अब शुरू किया दैट आई स्टार्टेड गोइंग आउट मीटिंग पीपल एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं बहुत शाय हूं, मैं नहीं बात कर सकती, मैं बात नहीं कर सकती। I'm really serious. मैं इतनी बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ कि मुझे हमेशा जो है ना पैनिक अटैक्स होते हैं और एंग्जाइटी होती है एयरपोर्ट से, बिकॉज आई हैव टू फेस अ लॉट ऑफ पीपल एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। बेशक जब मुझे कोई नहीं जानता था तब भी मुझे यही होता था, और उसके बाद मुझे अवार्ड्स से पहले जब आपने रेड कार्पेट पे जाना होता है एंड देन यू हैव टू गो देयर एंड स्माइल एंड अदाए एंड देन यू हैव टू टॉक। अदाकारा ने बताया कि अवार्ड से पहले जब रेड कार्पेट पे जाना होता है इस दौरान अदाएं दिखाना होती हैं, मुस्कुराना होता है, इन सब चीजों से मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है। मेजबान ने पूछा कि कौन सी अदाकारा है जिन्हें अब भी कॉल करें और पैसे मांगे तो वो आपका फोन उठा लेंगी। इकरा अजीज ने हिना अल्ताफ और ज़ारा नूर अब्बास का नाम लिया। हेलो, हाय, कैसे हो मेरी जान? अच्छा मेरी जान, आई एम नॉट वेल, आई एम एक्चुअली इन इस्लामाबाद, तो आई नीड मनी, कैन यू ट्रांसफर? मैं तो अभी यहाँ पर हूँ, लाहौर में, सॉरी कराची में वापस। तो तुम मुझे, मैं तुम्हें अकाउंट नंबर दे दूँ तो तुम मुझे ट्रांसफर कर दो? क्या करना किसने बताओ, अपना दिल ट्रांसफर कर दो बस, अब इतना काफी था। अदाकारा ने फिर ज़ारा को बताया कि मैं एक शो में हूँ, वहाँ मुझसे सवाल किया गया था। ज़ारा ने कहा कि शुक्र है जवाब अच्छा ही था। अदाकार मोहम्मद अहमद और अदाकारा कुदसिया अली की नई वीडियो पर सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई इस वीडियो में सीनियर अदाकार मोहम्मद अहमद और नौजवान अदाकारा कुदसिया अली को देखा जा सकता है जो दिलचस्प रक्स करते हुए दिखाई दे रही है। टिकटॉक के तर्ज के इस वीडियो की दिलचस्प बात ये भी है, दोनों अदाकारों ने मोटापे को उजागर किया है। वीडियो में मकामी ढोल पर गुनगुनाए गए गाने तू मोटा कितना हो गया है को उजागर किया गया है, जिसमें मोहम्मद अहमद कुदसिया अली से मुखातिब हैं। इस वीडियो पर सारिफीन की जानिब से भी तबसरा किया गया है। आयशा नईम नामी सारिफ का कहना था कि ये तो साख खराब कर रहे हैं, जबकि एक सारिफ सादिया अफजाल ने लिखा कि मोहम्मद अहमद साहब आपको क्या हो गया है सर, जबकि नसरा खान ने थम्स डाउन का कॉमेंट किया। इस वीडियो से पहले ये काबिले इज्जत थे, जबकि कुछ सारिफीन ने इस वीडियो को देखकर हैरानी का भी इजहार किया। शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा कुबरा खान ने अपना असल नाम बताकर सबको हैरान कर दिया। अदाकारा कुबरा खान ने हाल ही में एक वेब शो में शिरकत की, जहां मेजबान ने पूछा कि आपका नाम राबिया था फिर आपने इसे तब्दील करके कुबरा क्यों रख लिया। कुबरा खान ने बताया, But a lot of people say that, you know, your name has an effect on you. I was a very bimar child. Like, oh, I was a very bimar child. So, mom named my name, changed my name, actually, to Kubra that time. Mm-hmm. And it's actually, my full name is actually Kubra Fatma Khan. Achha. Yeah, nobody knows that. Nobody knows that. So, this is the first time I'm actually saying that out loud. Kubra Fatma Khan. Kubra Fatma Khan. So, my full name is actually Kubra Fatma Khan. And she changed it, like, in my passport, like, I've changed it. And because I've been traveling, it never really bothered me because in school, everybody used to call me Rabia anyway. Passport is Rabia Khan. Passport is Rabia Khan. So, which is why people found out ki Rabia kaun hai. Mikal Zulfikar se mutalik shaadi ki afwahon par Kubra Khan ne kaha ki isme koi sachchai nahi hai. No, it's not true at all. Mujhe in fact kaun keh raha tha, mujhe kuch din pehle koi keh bhi raha tha ki somebody said apparently I'm married to Mikal. Yeah. Aur main hairan ho ki unki meri Mikal se koi like 3-4 mahine pehle last baat hui hogi. Exactly. Like he's not even in like my
माई व्हाट्सएप हिस्ट्री एनीमोर, इतना पुराना हो गया। कुबरा खान ने बताया कि सोशल मीडिया पर मेरी, अहद रजा मीर और सजल अली के दरमियान झगड़े की खबरें भी सामने आई, लेकिन हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। अहद रजा मीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि सजल अली बेहतरीन अदाकारा हैं और मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। इससे कबल इंटरव्यू में कुबरा खान ने कहा था कि मैं मुल्तान में पैदा नहीं हुई, मुल्तान से थोड़ा आगे एक छोटी सी जगह है जिसका नाम कबीरवाला है, वहाँ पैदा हुई। अदाकारा का कहना था, मोहब्बत एक ही बार होती है, प्यार कई बार हो सकता है, लेकिन मोहब्बत या तो एक बार होती है या फिर नहीं होती है। जिन्हें जमशेद न्याजी का कहना है कि मैंने बिल्कुल सही वक्त पर शादी की, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए के तीन मरकजी किरदारों ने शिरकत की। इस मौके पर नाजरीन ने टेलीफोन पर मेहमानों से बहुत सारे सवाल किए जिसके उन्होंने दिलचस्प जवाब दिए। एक कॉलर ने ड्रामे के हीरो अदाकार जिन्हें जमशेद न्याजी से उनकी शादी से मुतालिक सवाल किया कि आपके मद्दाहों की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन आपने शादी जल्दी क्यों की, जिसके जवाब में जिन्हें जमशेद न्याजी ने कहा, नहीं आई थिंक मैंने बिल्कुल सही टाइम पे की है और सबको इसी टाइम पे करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि सेटल्ड लोग के या फिर 30s में जाके आपको शादी करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक 26, 27 ये एज जो है वो बेस्ट एज है शादी की। और जो अल्लाह कहता है ना कि नसीब औरत लेके आती है अपने साथ, तो आई थिंक ऐसा ही है बिल्कुल। तुम बिन कैसे जिए के टीजर ने धूम मचा दी है। टीजर को यूट्यूब पर लाखों की तादाद में मद्दाह देख चुके हैं और जिन्हें जमशेद न्याजी के साथ सानिया शमशाद की जोड़ी को पसंद भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान अदाकारा सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीर और वीडियो शेयर करती रहती हैं जिसे उनके चाहने वाले पसंद करते हैं। कैसी लड़की है कमोजी? तुम्हें कैसी लगती? इससे कबल इंटरव्यू में किंजा हाशमी का ये भी कहना था कि मैं बहुत आराम से ड्राइविंग करती हूँ चाहे जितनी भी देर हो जाए। किंजा हाशमी ने ड्रामा सीरियल आजमाइश में मरकजी किरदार अदा किया था। पाकिस्तानी नौजवान अदाकारा सोशल मीडिया पर मुतहरिक रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीर और वीडियो शेयर करती रहती हैं जिसे उनके चाहने वाले पसंद करते हैं। तो ये थी हमारी इस वीक की खबरें। मजीद हंगामा देखने के लिए देखते रहिए सोशल हंगामा, सिर्फ और सिर्फ प्ले एंटरटेनमेंट पर।